उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना को लेकर विपक्षी पार्टियां अपनी आवाज बुलंद कर रही है। वहीं दूसरी तरफ सरकार में रहकर के एनडीए के सहयोगी दल भी जातिगत जनगणना करवाने की मांग कर रहे, लेकिन अब तक इस पर बीजेपी का रुख साफ नहीं है। हालांकि सहयोगी पार्टियों को ये पता है कि भाजपा इसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन उन्हें भी अपने समाज को दिखाना है कि हम भी जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं। यही कारण है कि एनडीए के सहयोगी दल भी जातिगत जनगणना की मांग करते नजर आ रहे हैं, लेकिन यह मांग सिर्फ अपने को दिखाने के लिए और सियासी रोटी सेकने के लिए ही की जाती रही है। प्रदेश में कुर्मी वोट बैंक का प्रतिनिधित्व करने वाली अपना दल इसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल अयोध्या में जातिगत जनगणना को लेकर अभियान शुरू करने वाली है। 4 नवंबर को पार्टी की स्थापना दिवस पर इस अभियान के जरिए वो अपने जाति यानी कुर्मी वोटर को एक बड़ा संदेश देने की तैयारी में है। यूपी में कुर्मी वोट बैंक लगभग 5-6% है और अपना दल इस समाजवादी पार्टी के बाद तीसरे नंबर की प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी होकर रह रही है, जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि अनुप्रिया पटेल केंद्र में मंत्री भी हैं। उनके प्रति आशीष पटेल यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और इसके साथ ही उनके 12 विधायक और 2 सांसद हैं। पहले अखिलेश यादव ने जातिगत जनगणना की मांग की थी और तब भी अपना दल कहता रहा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। अब बिहार के जातीय सर्वे के बाद फिर से मांग उठ रही है कि ये भी होनी चाहिए, लेकिन सत्ता में रहकर ये डिमांड उठाना कहीं कुर्मी वोट बैंक को भ्रम में रखना तो नहीं, जिससे अपनी सियासी रोटी सेकी जा सके। लोकसभा चुनाव में ज्यादा सीटों के लिए बीजेपी पर दबाव भी एक तरह से बनाया जा रहा। बता दें कि एक तरफ अपना दल सरकार पर दबाव बना रही है, वहीं मछुआ समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले संजय निषाद उत्तर प्रदेश में उन राजनीतिक दलों में से हैं जो कि जातिगत जनगणना की मांग कर रहे। डॉक्टर संजय निषाद उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, वहीं उनका बड़ा बेटा प्रवीण निषाद सांसद और छोटा बेटा श्रवण निषाद विधायक है। पार्टी के कुल 6 विधायक हैं। यूपी में 12-13% वोट बैंक है। 140 सीटें विधानसभा की ऐसी है जहाँ निषाद बिंद कश्यप प्रभावशाली है। लगभग 25 लोकसभा सीटें ऐसी है जहाँ इस बिरादरी के काफी वोट है। 15 अक्टूबर से जातिगत जनगणना को लेकर अभियान चला रहे और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद मंत्री बनने से पहले और मंत्री बनने के बाद से ही मछुआ समाज को SC का दर्जा देने की मांग कर रहे। वैसे उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर भी जातिगत जनगणना की मांग कर रहे और जिससे बीजेपी की परेशानियां बढ़ रही है। ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ हैं, लेकिन वह बीजेपी से अलग थे, लगातार जातिगत जनगणना की बात कहते थे। हालांकि भाजपा के साथ आने के बाद भी वह यह कह रहे कि जाति जनगणना होनी चाहिए। अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में 5-6% राजभर वोट बैंक है। लोकसभा की 28 सीटों पर अच्छी खासी संख्या है। वहीं 100 विधानसभा ऐसी है जहां राजभर समाज के लोग रहते हैं। ओम प्रकाश राजभर अपनी मांग मनवाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जाति जनगणना को लेकर फिलहाल उनकी मांग पूरी होती नहीं दिख रही है। इसके जरिए उनकी भी कोशिश बीजेपी पर दबाव बनाना और लोकसभा चुनाव में 2-3 सीट हासिल करना है। अब देखना है कि बीजेपी इस बात को लेकर मानती है या फिर नहीं। जातिगत जनगणना एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा और उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव में विभिन्न विपक्षी पार्टियां इसको लेकर बड़ा मुद्दा बनाती दिख रही है।